मूवी के सॉन्ग को लेकर आए एक नई अपडेट। सुनने को मिलेगा एक रिमेक सॉन्ग। को बताए दोस्तों कि इस मूवी को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है और वह इस मूवी को 29 अप्रैल यानी ईद के मौके पर रिलीज कर दिया जाएगा सिनेमा घरों में। वही दोस्तों इस मूवी के ट्रेलर के बाद हमें इस मूवी से कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर सॉन्ग सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जैसा कि इसके ट्रेलर में हमें कई सॉन्ग की झलक भी देखने को मिल रही है। हाल ही में इस मूवी का पहला गाना आकर रिलीज किया गया था। इस गाने में टाइगर श्रॉफ सिंहासन पर बैठे जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं तारा सुतारिया भी अपनी नकरीली अदाओं से दर्शकों को अपना दीवाना बना रही हैं। तो वहीं दोस्तों इस मूवी का जो दूसरा सॉन्ग आया वो तो काफी शानदार और धमाकेदार था, जिस सॉन्ग का टाइटल था जलवानुमा। वहीं वो सॉन्ग काफी शानदार और जबरदस्त रहा। दर्शक इस सॉन्ग को ढेर सारा प्यार भी दे रहे हैं। वही दोस्तों ये एक इमोशनल सॉन्ग है। तो वही दोस्तों अब बारी है इस मूवी के तीसरे सॉन्ग की। बहुत ही जल्द इस मूवी का तीसरे सॉन्ग आउट होने वाला है। जी वही दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस मूवी में एक आइटम सॉन्ग भी हमें देखने और सुनने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, खबरों की माने तो ये सॉन्ग एक रिमेक सॉन्ग रहने वाला है। जी हां दोस्तों, साल 1995 में आई मूवी रंगीला का सॉन्ग रामा जो कि उस टाइम का सुपरहिट सॉन्ग रहा, वही इस सॉन्ग का रिमेक वर्जन हमें हीरोपंती 2 मूवी में देखने और सुनने को मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों बात करें हीरोपंती 2 मूवी की, तो इस मूवी में टाइगर बबलू का किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे, वहीं तारा सुतारिया इनाया के किरदार को प्ले करते हुए दिखाई देंगी। माजुद्दीन सिद्दीकी जो कि लैला के रोल में नजर आने वाले हैं, जो कि टाइगर श्रॉफ को जबरदस्त टक्कर देते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल दोस्तों आप कितना एक्साइटेड है हीरोपंती 2 मूवी और इस मूवी के सॉन्ग को सुनने और देखने के लिए, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे फिल्मी न्यूज़ सुनने के लिए अपने चैनल फिल्मी हिंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।